हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों दोस्तों, चलिए अब हम अपने तीनों बच्चों को उठाते हैं। हमारा स्नान हो चुका है, अब हम अपने तीनों बच्चों को उठाएंगे। देखिए हमारे बच्चे, अभी ठंड है तो यहीं पे विश्राम कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। लड्डू, उठ जाओ। बासु, श्याम सुंदर, उठो। सोना बाबू, उठ जाओ। सोना बाबू, उठो मेरा सोना, सबसे प्यारा प्यारा बाबू मेरा सोना, उठ जाओ मेरे लल्ला। बासु, उठो बच्चा, उठ जाओ सोना। सोना, उठ जाओ मेरे लल्ला, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ मेरे गिरधर, उठ जाओ मेरे बाबू। श्याम, उठो, उठ जाओ लल्ला, आप भी उठ जाओ। देखो दोनों बाबू छोटे वाले उठ गए, आप भी उठ जाओ, उठ जाओ बेटा। देखिए बंसी इनके पास रहता है, तुलसी इनके पास रहता है। उठ जा मेरे लल्ला। सोना बाबू, सोना बाबू, सोना बाबू, सोना बाबू, सोना बाबू, सोना बाबू, सोना बाबू। देखिए मेरे सोना उठ गए, मेरे सोना उठ गए। दो तीनों बच्चे दूध और जल पी चुके हैं। अब आज गणेश चतुर्थी है तो हम इन्हें पुष्प स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अब देखिए पुष्प स्नान हो चुका है, अब हम अपने बच्चों को, अपने सोना बाबू को प्लेन जल से स्नान कराएंगे। शंख में कुछ पुष्प रह गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम अपने श्याम सुंदर जी को स्नान कराएंगे पुष्प स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अब हम अपने गौ माता जी को स्नान कराएंगे। अब इन्हें प्लेन जल से हम स्नान करा देंगे। अब हम अपने शालिग्राम जी को स्नान कराएंगे। प्लेन जल से हम स्नान कराएंगे। जी हाँ, सभी लोगों का स्नान हो चुका है, अब इन्हें हम वस्त्र पहनाएंगे। देखिए हम अपने तीनों लल्ला का ड्रेस निकाल दिए हैं, ज्वेलरी भी निकाल दिए हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये गणेश चतुर्थी का वीडियो है। सुबह हम स्नान कराए हैं और श्रृंगार किए हैं, उसका वीडियो है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए मेरे बासु वस्त्र पहन लिए, लड्डू वस्त्र पहन लिए, श्याम वस्त्र पहन लिए। अभी हम सिंहार चालू करते हैं। देखिए मेरे लड्डू को ग्रीन वस्त्र, आज मेरे लड्डू भी पहने हैं, बासु भी पहने हैं ब्लू ड्रेस, मेरे श्याम सुंदर जी पहने हैं
इनकी ज़्यादा ड्रेसेस मेरे पास नहीं है दोस्तों, जो मेरे पास है हम उसी में सिंगार करके आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे पास तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम तिलक दे देंगे, कान में इनको हम पहना चुके हैं टॉप्स, अब इन्हें हम अंगूठी पहना देंगे। देखिए कुछ ज्वेलरी हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, सारी ज्वेलरी एक ही में मिक्स हो गई थी, थोड़ा सा बस हो गया, आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ, उनका बैंगल्स नहीं मिल रहा था, एक अभी मिल गया, बैंगल्स हम पहना रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी ने हम हेयर लगाएंगे, हेयर इसी बॉक्स में हम रख देते हैं क्योंकि हेयर बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। मेरे बासों का हेयर बहुत ही सुंदर था, ये देखिए आज इनको ये वाली हम मुकुट पहनाए, मोर पंखी वाली, बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे बासु, आप देख पा रहे होंगे इस मुकुट में बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब देखिए हम अपने श्याम सुंदर जी को रेडी कर रहे हैं। श्याम सुंदर जी को रेडी करने के बाद फिर हम इनको अपने स्थान पे विराजित करेंगे, फिर हम गणपति जी को स्थापित करेंगे, उनका पूजा पाठ चालू होगा क्योंकि आज उनका स्थापना है। तो पूरी वीडियो तो हम नहीं शेयर कर पाएंगे, जितना हो सकेगा गाइस उतना हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ, देखिए मेरे श्याम सुंदर जी भी आज बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। अब मेरी श्याम सुंदर जी भी मुझे बिल्कुल नहीं परेशान किए, बहुत जल्दी तैयार हो गए मेरे लल्ला, उन्हें पता है कि पूजा के बाद ही हम कुछ ग्रहण करेंगे। जी हाँ, देखिए मेरे श्याम सुंदर जी कुछ इस तरह से तैयार हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अभी फिर हम मंदिर में देखेंगे इनका लुक और क्या करना है, अगर और कुछ करना होगा तो करेंगे। अब हम अपने शालिग्राम जी को चंदन का तिलक और गौ माता जी को चंदन का तिलक लगा दूंगी, जो तिलक बच जाती है हम अपने मस्तक पे धारण कर लेते हैं, अलग से हम चंदन नहीं घोल के लगाते हैं, अलग से लगाना भी नहीं चाहिए। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं मेरे तीनों बच्चे कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं, कुछ इस तरह से देखिए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे तीनों बच्चे, तीनों लाला, तीनों बाबू हमारे। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा।